हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल तिवारी एंटरप्राइजेस। वंस अगेन जो गाड़ी खड़ी है भाई वो XUV300 जो मॉडल रहने वाला है W4 डीजल मॉडल रहेगा। इस गाड़ी में जो काम है सबसे पहले आपको फ्रंट पोर्शन में दिखा देता हूँ। गाड़ी में हमने लगाया भी फ्रंट साइड में फॉग लैम्प जो कि जेन्युइन महिंद्रा रहेगा। देन इसका W8 DRL जो कि जेन्युइन महिंद्रा रहेगा। अगेन भाई भैया ने इस गाड़ी के अंदर फॉग लैम्प में 75 वॉट की LED प्लस हेडलाइट में 120 वॉट की LED लगाया है, जिसकी लाइट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फॉग लाइट कुछ लाइट रहने वाला है सामने गाड़ी के हेडलाइट भैया, ये लाइट रहेगी गाड़ी की। हाई बीम देना भैया, हाई बीम, ये कुछ गाड़ी की लाइट रहने वाली है भैया। इससे बात है भैया, गाड़ी के बैक साइड जो काम हो इसके रिफ्लेक्टर्स पे हो, जो कि ये देखोगे आप इंडिकेटर, जिसकी लाइट कुछ भैया ये रहने वाली है इंडिकेटर के साथ। इसके बाद जो गाड़ी में काम हो इसके स्पॉइलर पे हुआ, जिसकी कुछ ये फिनिशिंग रहने वाली है फुल ABS के साथ। इसके बाद जो गाड़ी में काम है इसके रूफ रिल्स पे हुआ है, जिसके अंदर भी हमारा रूफ रिल्स पे हमने सिलिकॉन पेस्टिंग करवाई है भैया की। अगर आप देखेंगे ब्रेक पे भैया का ये भी लाइट जला है, बाकी बैक साइड से ब्रेक का कुछ लुक गाड़ी का ये रहने वाला है। गाड़ी जो अंदर इंटीरियर पार्ट से काम हुआ भैया, गाड़ी के सीट का भी हुआ है, जो कि आप देखेंगे ब्लैक एंड रेड की थ्रेडिंग के साथ। अगेन जो लेदर लाइट रहने वाला है वो इम्पोर्टेड लेदर है, जिसकी लाइफ में गारंटी रहेगी। फिनिशिंग कुछ सीट कवर की ये रहने वाली है। अगर मैं आपको इस साइड से दिखा दूं कुछ फिनिशिंग ये रहने वाली भैया, बैक साइड से कुछ फिनिशिंग ये रहेगी भैया। इस गाड़ी के हेड फिक्स रहेगा। बाद गाड़ी में भैया ने 70 मैट्स लगवाए, जिसकी फिनिशिंग कुछ ये रहेगी। 70 के नीचे भैया ने फ्लोरिंग करवाई है, जिसकी कुछ फिनिशिंग ये रहने वाली है। अगर मैं आपको आगे से दिखा दूं 70 की फिनिशिंग कुछ ये रहेगी भैया, इसके नीचे फ्लोरिंग मैटिंग। इसके बाद गाड़ी में हुआ भैया हमारा स्टीयरिंग कवर, जिसकी कुछ फिनिशिंग OEM स्टीयरिंग कवर रहेगा। अगेन इसके बाद स्टीयरिंग कंट्रोल्स प्रॉपर जेन्युइन महिंद्रा फ्रेश पीस है भैया। सनग्लास होल्डर। गाड़ी के अगर मैं सिस्टम की बात करता हूँ तो गाड़ी के अंदर भैया प्रॉपरली 8 CC डैम्पिंग हुई है। पहली बार जो कि ब्रांड रहेगा CTK का, हमने एंड्रॉयड लगाया मेगासोनिक का, जिसका कुछ टच ये रहने वाला है। स्पीकर्स की मैं बात करूं तो भैया हमने आगे लगाया प्राइमस कंपोनेंट, पीछे लगाया प्राइमस का कोएक्सियल स्पीकर्स, जिसकी आवाज मैं आपको सुना देता हूं। मैं आपको NCS पे कुछ साउंड सुना देता हूं भैया, साथ साथ हम स्टीयरिंग कंट्रोल भी चेक करेंगे। ये कुछ भैया साउंड रहने वाली गाड़ी की, जिसके अंदर कैमरा जो हमने लगाया वो अगेन OEM कैमरा लगाया, जिसकी फिनिशिंग कुछ यहाँ पर रहेगी। कैमरे कुछ क्लैरिटी भी है ये रहने वाली है, तो आप देखेंगे ये प्रॉपर मूविंग कैमरा रहेगा। इसके बाद जो गाड़ी में काम हुआ है इसके सेंटर आर्मरेस्ट भी हुआ है, जो कि आप देखेंगे ये फिनिशिंग रहेगी सेंटर आर्मरेस्ट की। बीच में ये स्पेस मिलता है अपने को, प्रॉपर है भैया, कोई दिक्कत नहीं है आर्मरेस्ट के अंदर। इसके बाद गाड़ी के वेलकम प्लेट्स पे WA डोर लाइट्स पे हुआ है भैया काम। साइड पैनल ये जो देखेंगे आप साइड पैनल पे हुआ है। रेन वाइजर बाय साइड बिडिंग फुल क्रोम वाली। इसके बाद जो गाड़ी में काम हुआ है इसके मड फ्लैप्स पे हुआ है, जो कि मड फ्लैप्स यहाँ पे है, प्लस इसका व्हील कवर। हमारे ऑनर है भैया, क्या नाम है अपना? अनुराग भाई। गाड़ी कहाँ के भैया? गुड़गांव। गुड़गांव भैया, कितना टाइम लगा इस पूरे काम के अंदर अपने को? मैं अराउंड आया था 3 बजे के अराउंड, और 9:30 हो गई, लगभग 6-6.5 घंटे लगे, बट काम बढ़िया हुआ है। कई सारी चीजें अब बाकी आएंगी, कोई मुझे उम्मीद नहीं है वापस आना पड़ेगा। हाँ, और काम करवाने आना पड़ेगा, बाकी भैया काम सही हुआ है। और टोटल कॉस्टिंग मुझे ये सब कुछ, क्योंकि मेरा बेस मॉडल था जी भैया, तो ये अराउंड मेरा 70-75-80 में हो गया सब कुछ जी भैया। तो इसके बीच आप आइए, और सोयल बीएस तो सबसे पहले मिलिएगा, ये आपको बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं। मेरी तरफ से फीडबैक बहुत पॉजिटिव है, बाकी अब चलेगा, चलते चलते कोई दिक्कत आती है तो भैया यहाँ ठीक है सोयल भैया। ये आपने देखा भैया XUV300 का मॉडिफिकेशन, भैया का बाकी आपने फीडबैक भी सुन लिया। अगर आपको गाड़ी का काम अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना भैया। बाकी किसी भी भाई को अपने गाड़ी का काम करवाना हो तो आप तिवारी कार एसेसरीज और तिवारी एंटरप्राइज पे आ सकता है। कॉन्टेक्ट नंबर सारी डिटेल आपको नीचे मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉच, कीप सब्सक्राइब।